हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हर श्रृंगार के बारे में बताऊंगी। इसका नाम है, इसको नाइट जैस्मिन भी कहते हैं और इसका नाम पारिजात भी है। इसकी पत्ती इस तरह मोटी मोटी होती हैं। ये बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट है। आप ये जिस जहाँ लगा रहता है ना, वहाँ बहुत पॉजिटिविटी रहती है, किसी तरह की निगेटिविटी नहीं आती। और ये आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर है। साइटिका में ये बहुत काम आता है। इसकी 5 से 7 पत्तियां हैं। साइटिका आप समझते हैं, कमर से लेके पैरों तक जो दर्द होता है ना, वो बहुत तकलीफ डाल वाला होता है। उसमें इसकी पत्तियां हैं, इनका काढ़ा बना के पियो तो बहुत काम आता है। इसके अलावा अर्थराइटिस, हड्डियों का जो दर्द होता है, जोड़ों का दर्द होता है, उसमें भी ये बहुत फ़ायदा करता है। सूजन, अगर आपके पैरों में या कहीं चोट का निशान है या सूजन है, तो इसकी पत्तियों का लेप लगा दें तो सूजन भी ठीक हो जाती है। इसके अलावा हाथ पैर का दर्द, कभी कभार अगर जैसे आपको हाथ पैर में दर्द हो रहा है, आपको बुखार आ रहा है, तो आप इसकी 5-6 पत्तियां तोड़ें, अच्छी तरह कुचल लें और फिर 1-1.5 गिलास पानी में डाल दें। जब वो आधा हो जाए तो उसको पी लें। इसके अलावा ये डेंगू, बुखार, मलेरिया, ये सब में भी इस काम आता है। इसकी पत्ती और गिलोय की पत्ती दोनों को मिलाकर कुचल कर उसका काढ़ा बना कर पीना, तो उसको में बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा जो जिद्दी बुखार होता है, जोड़ों का बुखार जो कभी जाता ही नहीं है, हड्डियों का बुखार बोलते हैं ना, वो जाता ही नहीं, तो उसके लिए इसकी पत्ती, इसके फूल, इसकी छाल और थोड़ी सी जड़, ये पांचों चीज़ मिला कर कूट कर काढ़ा बनाया जाए तो, और उसको दिया जाए 2-3 खुराक, तो वो जोड़ों का जो दर्द बुखार है, जिद्दी बुखार, वो भी चला जाएगा। इसके बहुत सुगंधित, बहुत खुशबूदार फूल होते हैं जो रात में खिलते हैं और दिन में सवेरे होकर गिर जाते हैं। तो देखिए, आप भी लगाइए। इसके फूलों का एरोमा बहुत अच्छा होता है, हमारा सिर दर्द, माइग्रेन सब ठीक कर देता है। इसका एसेंस भी बनता है। इसके छोटे छोटे फूल होते हैं जिसमें सिंदूरी कलर की डोंडी होती है, और ये अक्टूबर नवंबर से खिलते हैं मार्च तक। अभी इसका सीज़न नहीं।